अप्रोक्सीमेटली कितना टर्नओवर है? वो लोग हंसती थी मेरे पर, और ये मेरी वाइफ, हम 5 भाई बहन और एक आदमी कमाने वाला, कितनी मुसीबत होगी। रफली आप कितना कमाते हो जर्मनी में? आपको मैं ये बता दूं कि जितना एक नॉर्मल एम्प्लॉई साल में कमाता है। मैंने पिज़्ज़े पे भी काम किया, कभी 400 यूरो मिलते थे, कभी 500 यूरो मिलते थे, फिर इंडिया भी पैसे भेजने होते थे। मैंने अभी अभी आप लोगों के सबके लिए बात कर लिया, धीरे 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 करते करते अभी 7 हो गए। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और मैं अभी खड़ी हूँ फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी का एक शहर है, फिनेंशियल हब है ये यूरोप का। और आज मैं आपको इस फिनेंशियल हब में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, जीरो से हीरो की, कैसे किसी इंसान ने जीरो से करोड़ों का बिजनेस बनाया जर्मनी में आके, जहां उनको इस देश की भाषा नहीं आती, लोग अनजाने हैं, और वो इंसान है हरीश गुप्ता। तो आज इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी पूरी कहानी। वेलकम टू फ्लाइंग अब्रॉड हरीश जी। थैंक यू शिल्पा। तो हरीश जी, आप अपने बारे में बताइए, आप इंडिया में कहाँ से हैं और वहाँ क्या करते थे आप? मैं जबलपुर से हूँ, इंडिया में, मध्य प्रदेश में है ये जबलपुर, और वहाँ पे मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में मैंने नौकरी की है 10 साल। अच्छा, क्या नौकरी करी थी? मैं लैब में था। अच्छा, लैब में, अच्छा, लैब असिस्टेंट। हाँ, लैब असिस्टेंट। अच्छा, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब घर में सब लोग क्या करते हैं? फैमिली में मेरे पापा आर्मी में, वो रिटायर हो गए हैं अभी। ब्रदर एक आर्मी में है, और एक ब्रदर मैंने अभी उसको यहाँ पे रिसेंटली बुलाया है। अच्छा। वर्क के, वर्क परमिट पे अपने पास। अच्छा। और दो सिस्टर्स हैं, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो जब आप बोल रहे हो फैमिली में, जैसे आपके फादर आर्मी में हैं, तो आर्मी में मतलब क्या पोजीशन पे थे और कैसी थी मतलब आपकी कंडीशन? वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छा। ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आपको समझना चाहिए कि हम 5 भाई बहन और एक आदमी कमाने वाला, कितनी मुसीबत होगी। और फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर स्लोली स्लोली जब मैंने अपने होश संभाला तो मैंने फिर फैमिली को स्टैंड अप भी किया। अच्छा, और जर्मनी आपका आना कैसे हुआ? जर्मनी मेरे को पहले से ही शौक था, बहुत कुछ पढ़ता था मैं जर्मनी के बारे में। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में था तो एक बुकलेट आती थी जर्मन न्यूज़, वो हमेशा पढ़ता था, वहाँ की, यहाँ की ट्रेनें देखता था। तो मैंने बोला नहीं, मैंने प्लान बना लिया कि मैंने जर्मनी जाना है। अच्छा। फिर 2003 में लकली मेरे को चांस मिल गया। कैसे मिला चांस? चांस मैंने अप्लाई किया था तो उसमें मैं सक्सेस हो गया और जर्मनी आ गया मैं। अच्छा, नहीं, क्या अप्लाई किया था आपने? मैंने लुफ्थांसा में अप्लाई किया था। अच्छा, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। अच्छा, एज अ क्या जॉब? एज एज ए फील्ड जॉब था। अच्छा, फील्ड जॉब था आपका? हाँ, फील्ड जॉब था। अच्छा, ठीक है। तो सेलेक्ट हो गया था तो आ गया, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने छोड़ दिया जॉब। अच्छा, मैं अगर सोच भी नहीं सकती कि उस टाइम पे जर्मनी आना, जब आपको भाषा भी नहीं आती, उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना नहीं था, अनजान मतलब एक देश में आके कैसे आप शुरू में रहे? आपका कोई जान पहचान वाले थे यहाँ? नहीं, कोई जान पहचान का नहीं था। एक फ्रेंड था मेरा, उसी ने मेरी हेल्प की। वो इंडिया से ही फ्रेंड था मेरा, तो उसी ने मेरी हेल्प की। बहुत मुश्किल का दौर गुजारा मैंने। वो मैंने पिज़्ज़े पे भी काम किया, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट बनाना सीखा, पिज़्ज़ा। अच्छा। और उस टाइम पे तो आपको पता है जैसे इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बहुत मुश्किल हुआ वो टाइम। कभी 400 यूरो मिलते थे, कभी 500 यूरो मिलते थे, फिर इंडिया भी पैसे भेजने होते थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टेंशन में था। अच्छा, फिर डर नहीं लगा कि अब क्या करूँगा? कोई डर नहीं लगा। फिर मैंने एक से पूछा, यार क्या करूँ, जॉब तो मिल नहीं रहा है। कितने टाइम रहे आप बिना जॉब के? 3 महीने। अच्छा, 3 महीने कोई सैलरी नहीं आई? कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। वो पीजे में काम किया उस टाइम पे। हाँ। तो वहाँ से मिल जाते थे 20 यूरो, उसी में गुजारा कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर में देखा एड KFC का। हाँ, उस जमाने में तो न्यूज़पेपर में आते थे, नेट न्यूज़पेपर में KFC का एड देखा, और फिर मैंने फोन किया, इंग्लिश में बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को जब देखा तो उन्होंने बोला, भाई ऐसा है कि तुमको हम किचन में लेंगे पहले। अच्छा। अगर तुम किचन का सामान सेट कर दोगे तो तुम्हारे को, मतलब किचन में तुम काम सीख जाओगे तो तुमको आगे का जॉब देंगे सर्विस का। लेकिन मेरा लक ने इतना अच्छा साथ दिया कि जिस दिन मैं किचन में गया तो वहाँ का मैनेजर बोलता है, यार तू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तू ड्राइव पे जा। अच्छा। तो मैंने को ड्राइव का कुछ पता ही नहीं था, ड्राइव करते हैं ना जो मैक ड्राइव वगैरह होती है, तो मेरे को मेन्यू, मैंने आधे घंटे में सारे मेन्यू याद किए, मेन्यू याद किए, और फिर मैंने ड्राइव ली पूरी। जब मैंने शाम को ड्राइव पूरी कर ली
तो कैश मेरे को बंद करना नहीं आता क्योंकि मेरा तो तीसरा दिन था। तो मैनेजर आया, जो बिग मैनेजर था RGM, वो आया, बोलता है यार ये पहले दिन इस लड़के ने इतना किया है। बोलता है ये आज से असिस्टेंट मैनेजर है। आप तो पहले दिन में छक्के छुड़ा दिए आपने। तो ये असिस्टेंट मैनेजर, मैं एक महीने के अंदर मैनेजर बन गया था। अच्छा, क्योंकि आपने इंडिया में जैसे अच्छी पढ़ाई करी हुई थी, अच्छा जॉब करा हुआ था, तो उसका आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा था। हाँ, वो शिल्पा एक चीज और है उसमें कि आपको ना आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई है और आप करना नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने देखो जितनी पढ़ाई की, अगर मेरे को उसने बोला था किचन में तो मैं मना भी कर सकता था। तो आपने इंग्लिश वगैरह बोलना जैसे स्कूलिंग में जब आप पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में तभी सीख ली थी, या फिर जब आप वो इंडिया में लैब की जॉब करते थे तब? नहीं, आपने नहीं, सीखी? पहले से आपको इंग्लिश मेरे को पहले से ही आती। और अब तक आपको KFC की जॉब तक जर्मन बोलना आ गई थी या नहीं आई? नहीं, तब तक नहीं आई थी। अच्छा। मैं तो मैनेजर था, फुल फ्लैश मैनेजर था। अच्छा। और मेरे को जर्मन नहीं आती थी। और इंग्लिश और में मेरे सारे साथ काम में लड़कियां, हाँ मेरे साथ में जो लड़कियां मेरी जो सब एम्प्लॉयड थी तो वो लोग हंसती थी मेरे पर। अच्छा। लेकिन फिर भी भगवान ने साथ दिया। हाँ। मैंने भी पूरा डटा रहा और सक्सेस हो गया। तो कितने टाइम काम करा KFC में? मैंने 12 साल काम किया। 12 साल KFC में? KFC क्या में? काम करा 12 साल तक? जैसे पूरी 12 साल तक मैं RGM था। अच्छा, रेस्टोरेंट पूरा। और आपको पता है KFC बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, छोटा रेस्टोरेंट नहीं है। उसका जो मैनेजर होता है उसके बहुत काम होते हैं। जब आप KFC में काम शुरू किया आपने, उस टाइम पे आपको अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी मिलती थी? मेरी जो पहली सैलरी थी, आप बहुत हंसोगे, 875 यूरो थी महीना। हाँ। अच्छा, और उस टाइम पे खर्चे क्या होते थे जर्मनी में? खर्चे उतने ही, आज इतने ही। हाँ। अच्छा, 800 हैंड टू माउथ था मैं। अच्छा, हैंड टू माउथ था। क्योंकि काम बहुत कम था, घंटे कम थे। अच्छा, घंटे कम थे। तो और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, मतलब आपने जब छोड़ा 12 साल बाद में, तब आप क्या सैलरी पे पहुंच गए थे? 3500 मंथली, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स? After tax. अच्छा, और जैसे आज के टाइम पे मान लो अगर कोई आता है इंडिया से KFC में जॉब करने, तो अभी आपको आइडिया है कुछ क्या सैलरीज मिलती होंगी? एक नॉर्मल एम्प्लॉई 2000 तक ले जाएगा, 2000 महीना तक। हाँ। तो ये तो हो गई आपकी KFC की जॉब और वो सब स्ट्रगल, लेकिन अब आप क्या करते हो जर्मनी में? अभी मेरे पास में फ्रेंचाइजी है चिडोबा मैक्सिकन ग्रिल की। अच्छा, और कितनी फ्रेंचाइजीज है? अभी 3 है। अच्छा, 3 है। तो गाइस, चिडोबा मैक्सिकन ग्रिल में आपको बता दूं, जैसे इंडिया में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे वो सब हैं, वैसे ही यहाँ जर्मनी में जहाँ पे आपको मैक्सिकन रैप्स और जैसे और भी बहुत सारे खाने हैं वो मिलते हैं। तो आप दिखाओ फिर आपका कौन सा रेस्टोरेंट है। चलो आपको दिखाता हूं। तो हरीश जी, जब भी हम बचपन से बड़े होने का सपने देखते, तो साथ में हम एक सपना ये भी देखते हैं कि हमारा खुद का कभी घर होगा। तो जब आप जर्मनी में आ गए, इतना आपने स्ट्रगल फेस किया, उसके बाद में आपने जैसे अपना घर लिया, तो उसको कितना टाइम लगा आपको और कब लिया आपने अपना पहला घर? मेरे को पहला घर लेने में 12 साल लग गए। 12 साल क्या? जर्मनी आने के बाद? या 12 साल लगे। अच्छा। क्योंकि पैसे ही नहीं थे। और उसके बाद फिर धीरे 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 करते करते अभी 7 हो गए। अच्छा, 7 हो गए। बताओ तो धीरे धीरे आपने अपनी मेहनत से पैसे जोड़ के और आज 7 घर कर लिए जर्मनी में। जी जी, और 2 अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसे अभी हम जैसे लोग हैं, हमने भी एक भी घर नहीं लिया है, और भी बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, उनको आप कोई ऐसा टिप देना चाहोगे कि जो अपना घर लेने का सोच रहे होंगे जर्मनी में? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को जब भी यहाँ पे घर लेना है तो एक सोच के फटाक से डिसीजन ले लेना है। अच्छा। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी इंटरेस्ट रेट कम है या इसका रेट ज़्यादा है या इसका कम है, आपको डिसीजन लिया तो आपको ले लेना है। कोई भी चीज़ जब पसंद आती है तो उसका प्राइस नहीं होता। अच्छा, लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं ना। हाँ, तो पैसे फिर बैंक है ना। और अब चलते हैं इनके रेस्टोरेंट की तरफ, जो कि यहाँ ये फ्रैंकफर्ट की प्राइम लोकेशन है काइजरस्ट्रासे, उसी में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे हम ये विदेश में आते हैं, आपको तो भाषा भी नहीं आती जब आप आए थे, आपने जॉब करी इतने टाइम, इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद में एक और हिम्मत कहाँ से आई, मतलब खुद का बिजनेस करने की? सो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बहुत थक गया था काम करते 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 करते, फिर अच्छा। मैंने सोचा कि हरीश कितने दिन तक तू अपने पाँव पे ये काम करेगा, तो क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। और फिर मैंने डिसाइड किया अपना बिजनेस करने के लिए। तो जब आपने सोचा कि अब मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा जहाँ पे एक फिक्स्ड सैलरी आती है चाहे कितनी भी आए, और बिजनेस बहुत ही जैसे ऊंचाइयों निचाइयों से भरा हुआ होता है, तो आपको डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई कि अगर नहीं चला तो? बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा डर।
क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस था ऑलरेडी गैस्ट्रोनॉमी का, तो मेरे को तो पता है कि जर्मनी में फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वो कभी बर्बाद हो ही नहीं सकती। अच्छा, और शायद मुझे लगता है पूरे देश और दुनिया में ही है। हाँ अच्छा ठीक है, तो आपके रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और दिखाइए, अपनी टीम से मिलवाइए। अंदर घुसते ही खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सामान छोड़ो पहले कुछ खा लेते हैं। तो आप यहाँ रोज आते हैं? नहीं रोज नहीं आता, ये हैं सारे कर्ते धरते यहाँ के। अच्छा हेलो। हम दोनों ने 10 साल साथ में नौकरी की है। अच्छा, और अभी यही संभालते हैं और आने वाले टाइम में ये एरिया मैनेजर है। अच्छा, एरिया मैनेजर। इनका नाम है अदनान अरशद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? गुजरात। अच्छा, तो आप अगर पाकिस्तान से कोई वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बहुत वीडियोस देखते हैं पाकिस्तान से भी। हाँ बस क्या कहेंगे यार, आ जाएं पाकिस्तान से जो भी देख रहे हैं, आ जाएं जर्मनी। हाँ आ जाएं, बहुत अच्छा मौसम भी आजकल बहुत अच्छा है, उधर तो बहुत गर्मी है, इधर बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। मोस्ट वेलकम, आएं, आपको घुमाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे और खाना भी खिलाएंगे। और किसी स्टूडेंट को अगर जॉब मिलने में स्ट्रगल हो रही हो तो आप आई एम श्योर वो सपोर्ट आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाहर नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स तो बहुत है हमारे पास। अच्छा, तो स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। सो गाइस देख लो, अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मैंने अभी अभी आप लोगों के सबके लिए बात कर ली है। और टोटल आपके इस ब्रांच में कितने और जैसे एम्प्लॉयज़ हैं? इसमें 25 से 30 एम्प्लॉई हैं। अच्छा, और टोटल जितना भी आपके और भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मिला के टोटल आप मतलब कितने एम्प्लॉयज़? 50+ हैं। 50+ लोगों को आप मैनेज करते हो। तो आपने बोला कि आपके 7 फ्लैट है जर्मनी में, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना रेंट आता है? 1700 यूरो पर फ्लैट। फिक्स है सर हर फ्लैट का? क्योंकि अच्छा, मैं पूरा रेनोवेटेड फ्लैट देता हूँ, तो मैंने फिक्स किया हुआ है। फुल्ली फर्निश्ड है आपके सारे फ्लैट? अच्छा, और मैं जानना चाहूँगी कि आज के डेट में अगर कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, जैसे चिडोबा की अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टर्नओवर है इस बिजनेस में? हाफ मिलियन है ईयरली। अच्छा, और अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में कि अप्रॉक्सीमेटली आप जैसे यू नो आपने शुरुआत किया था, आपने बोला कि 400 500 तक भी कमाते थे, फिर महीने के 800 यूरो कमाते थे आप, तो आज आपने इतने साल स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी है ना, उसके बाद में मतलब आप किस मुकाम पे पहुंच गए हो? रफली आप कितना कमाते हो जर्मनी में? आपको मैं ये बता दूँ कि जितना एक नॉर्मल एम्प्लॉई साल में कमाता है, अच्छा, उतना मैं महीने में कमाता हूँ। जैसे मैं सचिन, हम लोग जो हमारी पूरी साल की जो है उतना महीने का आप है? उतना महीने का, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। अच्छा, तो वो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि हम लोग तो जो हमारा साल का पैकेज है उसी में ऐसा लगता है हो बस लाइफ सेट हो गई, तो आपको देख के बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपने इतने कम से शुरू करके और आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हो। तो जैसे जर्मनी अगर कोई आना चाह रहा है तो सबसे पहले तो आप उनको बोलोगे, रिकमेंड करोगे आना, और आप उनको अपना बिजनेस करना रिकमेंड करोगे अगर कोई नया आ रहा है जर्मनी में? एक्चुअली अगर बिजनेस, अगर किसी ने बीबीए वगैरह पढ़ाई की हुई है, एमबीए किया हुआ है, तो उसको तो बिजनेस के बारे में पता होगा, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो बिजनेस करे, चाहे छोटे स्केल से करे चाहे बड़े स्केल से करे। नहीं, मुझे लगता है पढ़ाई का और बिजनेस का वैसे कोई कनेक्शन ज्यादा होता नहीं होगा, मतलब बुकिश नॉलेज होना एक अलग चीज है और एक बिजनेस करना प्रैक्टिकल आई थिंक बहुत अलग चीज होती होगी। यस, लेकिन यू नो अभी जैसे मैं हूँ, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उसमें एक चीज होती है कि लिक्विडेट प्लान्स होते हैं, तो वो आपने पढ़ाई की होती है कि आपको कितना परसेंट फायदा होगा, कितना परसेंट नुकसान होगा, कितनी आपकी मतलब इनकम है, क्या सारा कुछ उसमें निकल के आएगा, तो वो आपको पहले पता होता है। मेरे को बाद में पता लगा। और जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो आप ये भी बता रहे थे कि ना आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत आपने हिम्मत नहीं हारी। आजकल जैसे हम लोग इतना शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर लोग इतना आज के टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं रख पाते होंगे। तो आज जो जर्मनी में आ रहा है कोई, उसको आप क्या बोलना चाहोगे जो अभी शुरू कर रहा है अपना करियर या फिर अपनी जर्नी लाइफ में, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि पता नहीं यंग जनरेशन इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जो मैंने अपने ऊपर वो किया है प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ। दो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जिंदगी में, सबसे पहले सोना और दूसरा खाना। अच्छा, खाना भी छोड़ना पड़ेगा? हाँ, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा फिर? नहीं, खाने में कंप्रोमाइज। अच्छा, जैसे इंडियन खाना
दाल चावल सब्जी रोटी नहीं मिली तो खाना ही नहीं खाएंगे। हाँ। तो वो उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और सोने में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं, ये मेरा सोने का टाइम होगा, ये मेरे चाय का टाइम होगा, ये मेरा खाने। अगर इस चीज में उसने अपने आप को संभाल लिया, हम बता रहा हूँ 100% सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, इम्प्लॉयज, अभी कुछ इम्प्लॉयज जो है वो KFC से मेरे पास काम कर रहे हैं, कल को वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता लगेगा नहीं बहुत सच बोल रहा था। मैं जब काम करता था तो मैं कभी भी नहीं देखता था कि मेरा 200 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है या 174 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं दिन जब मेरे को कॉल आई मैं करता था, रात में सो अभी मेरा बॉस भी कभी ये वीडियो देख लेगा, रात को आप विश्वास करो कसम से बता रहा हूँ, उठता था ना तो लाइट देखता था कि ऊपर की लाइट नहीं जल रही तो कॉल कर देता था कि लाइट नहीं जल रही है तुम्हारी, तो वो लोग लाइट जला देते थे। मेरी तो छुट्टी थी, मैं तो सोता रहता, क्यों मैंने ऐसा किया। तो मैं जो था, जो अपनी तिजोरी है ना, वो मैं ऊपर बना रहा था, जमीन पे नहीं। और इसीलिए मेरे को ये ऑफर मिला, नहीं तो यहाँ पे बहुत से मिलियनेयर लोग घूम रहे हैं जो बुरे हालात में भी हैं। तो आपने सच्चे मन से बस मेहनत करी। हाँ। उसके अलावा आपने फल की, जैसे कहते हैं कि मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उसका आप मतलब खरा एग्जांपल हो। ये उर्दू में कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सच का है। हाँ ठीक है, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो ऊपर वाला मदद ऊपर वाला आपके साथ। अभी आप भगवान को बोलोगे कि पैसे दे दो तो भगवान बोलेगा जा काम कर। नहीं, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है ना जो अपनी करते हैं। और मैं अपने एम्प्लॉइज को शिल्पा ये बात बताना चाहता हूँ, हर एक एम्प्लॉय को और हर एक बच्चे को और हर एक एम्प्लॉयर को कि जहाँ हम काम करते हैं सोचो कि वो मंदिर है। अगर मुस्लिम है तो वो सोचे कि वो मस्जिद है, और सिख है तो सोचे कि ये गुरुद्वारा है। और जब हम काम करते हैं, अपने आप को एक्शन में लाते हैं, तो वो हमारी प्रेयर है। वर्क इज वर्शिप, या वो हमारी प्रेयर है। तो जब हम काम को, काम की जगह को अपना मंदिर और वर्शिप की जगह समझेंगे तो हमारे ऊपर रियली बरकत होगी भगवान की। ये इम्पोर्टेंट है। लोग ऑफिस में बैठ के गाली देते हैं, बॉस बैठा है साला जा नहीं रहा है, हम भी निकलेंगे। ऐसा है ना? बिल्कुल सही बात है ना। तो आप मंदिर में बैठ कर गाली दे रहे हो पुजारी को। तो अब मिल लेते हैं हरीश जी की फैमिली से। तो हरीश जी, आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे क्या? पक्का। ये मेरा छोटा बेटा मिनेश, ये मेरा बड़ा बेटा मितेश, और ये मेरी वाइफ, और यहाँ पे मेरा ब्रदर इंडिया से आया अभी। अच्छा, अभी आए? हाँ, यहाँ वर्क परमिट के लिए उसे लेकर आया। ओके, और आपकी वाइफ का क्या नाम है? मनवेला गुप्ता। मनवेला गुप्ता, नाइस। और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 16 ईयर्स हो गए। 16 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो हरीश जी कैसे एक नॉर्मल जॉब लेके आए थे जर्मनी, और उसके बाद में यू नो इन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी है अपनी मेहनत से, और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं जैसे यू नो अपना बिजनेस कर रहे हैं जर्मनी में, वो भी मतलब 3-3 रेस्टोरेंट हैं, 7-7 फ्लैट हैं, और इतना अच्छा ये कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है ना, हिम्मत नहीं हारनी है जो इन्होंने बोला, और मेहनत करनी है। सो आई होप इनकी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया हो, और अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चंस हैं आप इनसे पूछना चाहोगे तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में आके जवाब दे देना। और अगर स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टाइम जॉब में स्ट्रगल हो रही है, तो भी आप को कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ये काइजर स्ट्रासे वाले चिडोबा में आप मेरे मिल जाओगे, जितने भी चिडोबा हैं कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल देंगे वीडियो देखी है। हाँ। वहाँ पे हमारे को प्रॉमिस किया था जॉब का, दे विल गेट इट। ठीक है, तो हरीश जी थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।